नमस्कार, मैं कल्पिता आप सबको कल्पिता क्रिएटिव कॉर्नर में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऑर्गेनाइज़र, और ये ऑर्गेनाइज़र आप लोग बहुत ही कम टाइम पे बना सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ एक कार्डबोर्ड का बॉक्स। इसका जो ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग को मैं अभी काट दूँगी। इसके बाद इसमें जितने भी जॉइंट्स है, सब जॉइंट में मैं सेलो टेप लगाऊँगी। अंदर और बाहर दोनों साइड में सेलो टेप अच्छा से लगा दूंगी। अभी मैं ले रही हूँ एक पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग को मैं बीच में से काट रही हूँ, और उसको जो ऊपर का साइड है, ऊपर का साइड में जो मेज़रमेंट आता है उसी का हिसाब से मैंने काट लिया है। अभी मैं ले रही हूँ फैब्रिक ग्लू। ये मैं लगा रही हूँ अंदर का साइड में बॉक्स का, और इसको मैंने जो पॉलीथीन सीट कट करके रखा था इसको फिक्स कर दिया। अभी मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, इसका हाइट क्या है, 6 इंच है। और मैं ले रही हूँ एक टी शर्ट, पुराना टी शर्ट। टी शर्ट को मैंने काटा है 12 इंच में। अभी जो काटा हुआ टी शर्ट है इसको मैंने ये बॉक्स में डाल दिया है, और इसका जो कपड़ा है इसको अच्छा से एडजस्ट कर रही हूँ। ये जो टी शर्ट का कपड़ा मैंने इसमें लगाया है, इसका जो अंदर का बॉक्स का जो अंदर का साइड है, अंदर का साइड में मैं इसमें ग्लू या फैब्रिकल कुछ भी नहीं लगाऊंगी। इसको मैं ऐसे खुला ही छोड़ दूंगी। ऐसे ही जब भी कभी चेंज करना होगा या कुछ इसको धोना होगा, आराम से निकाल सकती हूँ उस टाइम। अभी देखिए, मैं पॉम्पम बना रही हूँ। उसके लिए मैंने एक फॉक ले लिया है, और उसमें मैंने उल को 60 टाइम्स मैंने उसको गोल गोल घुमाया है। इसके बाद जो हम लोगों ने पहले रस्सी ले लिया था, ये दोनों रस्सी को लेके इसमें एक गांठ देना है अच्छे से, और उसके बाद ये मैंने निकाल लिया है। अभी मैं उल का जो साइड का पार्ट है उसको थोड़ा अच्छे से मिला के इसको एक राउंड शेप दूंगी। देखिए, ये ऑर्गेनाइज़र को थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए मैंने इसमें एक लेस भी लगा दिया है, और एक छोटा सा राउंड शेप का मिरर लगा दिया है। देखिए, मेरा ऑर्गेनाइज़र भी रेडी हो गया है, और साथ में जो पुराना टी शर्ट था वो भी अच्छे से यूज हो गया है। आप लोगों को ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं आशा करती हूँ जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही काम का चीज़ है, क्योंकि बच्चे हमेशा एक किताब निकालने के टाइम वो लोग 2-3 तो ऐसे ही गिरा देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये बहुत ही काम आएगा बच्चों को। और अगली बार फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।